गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ योर कॉन्वर्सेशन क्लास। स्टूडेंट, कॉन्वर्सेशन में हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4, माई फैमिली, जिसमें एक टीचर और एक स्टूडेंट की कॉन्वर्सेशन थी। टीचर एक स्टूडेंट से उसकी फैमिली के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस और आंसर्स पढ़ लिए थे। अब जितने भी स्टूडेंट और टीचर के बीच की कॉन्वर्सेशन बाकी थी, उसे हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। नाउ ओपन योर बुक टॉक एंड वॉक, चैप्टर नंबर 4 माई फैमिली एंड पेज नंबर 25। ओके, सो चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, टीचर, टीचर फिर से क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज योर फादर्स मदर कॉल्ड, मींस तुम्हारे पिताजी की माँ क्या कहलाती हैं। टीचर स्टूडेंट से पूछते हैं, तुम्हारे फादर की मदर तुम्हारी क्या कहलाती है। देन स्टूडेंट आंसर करता है, माई फादर्स मदर इज कॉल्ड माई ग्रैंड मदर। स्टूडेंट, आप भी अपने फादर के, अपने पापा की मम्मी को क्या बुलाते हो? दादी बुलाते हो। सो स्टूडेंट आंसर करता है, माई फादर्स मदर इज कॉल्ड माई ग्रैंड मदर, मेरे पिताजी की माँ मेरी दादी माँ कहलाती हैं। नेक्स्ट, टीचर फिर से क्वेश्चन करते हैं, हु इज़ योर मैटरनल ग्रैंड मदर। मैटरनल ग्रैंड मदर मीन्स तुम्हारे नाना जी कौन हैं। देन स्टूडेंट आंसर करता है, माई मदर्स फादर इज माई मैटरनल ग्रैंड फादर। स्टूडेंट, आप अपने पापा की मम्मी को दादी बोलते हो और अपने मम्मी की मम्मी को आप क्या बोलते हो? नानी। सो पापा की मदर को हम इंग्लिश में ग्रैंड मदर कहते हैं और मम्मी की मदर को हम इंग्लिश में मैटरनल ग्रैंड मदर बोलते हैं। एंड हियर टीचर क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपके मैटरनल ग्रैंड फादर कौन है। तो स्टूडेंट आंसर किया, माई मदर्स फादर इज माई मैटरनल ग्रैंड फादर, मेरी मम्मी के पिता मेरे नाना जी हैं। ओके, नेक्स्ट, टीचर फिर से क्वेश्चन करते हैं, डू योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव विद यू, क्या तुम्हारे दादा दादी तुम्हारे साथ रहते हैं। देन स्टूडेंट आंसर करता है, डैश माई ग्रैंड पेरेंट्स डू नॉट लिव या लिव विद अस। स्टूडेंट, आपको इससे खुद से फिल करना है। अगर आपके दादा दादी आपके साथ रहते हैं तो आप इस पर लिख दोगे, यस माई ग्रैंड पेरेंट्स डू लिव विद अस। और अगर आपके दादा दादी आपके साथ नहीं रहते हैं तो आप इस ब्लैंक में फिल करोगे, नो माई ग्रैंड पेरेंट्स डोंट लिव विद अस। ओके, हिंदी में आप फिल करिए, अगर आपके दादा दादी आपके साथ रहते हैं तो आप यहाँ हाँ फिल करोगे, और अगर नहीं रहते तो आप लिखोगे, नहीं मेरे दादा दादी हमारे साथ नहीं रहते हैं। ओके, नाउ टीचर फिर से क्वेश्चन करता है, हु इज़ योर फेवरेट मेंबर। मेंबर कौन होते हैं हमारी फैमिली में? जितने सारे लोग हमारे साथ होते हैं वो हमारे फैमिली के मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं। देन टीचर क्वेश्चन करता है, हु इज़ योर फेवरेट मेंबर, तुम्हारा प्रिय सदस्य कौन है। देन स्टूडेंट आंसर करता है, डैश इज माई फेवरेट मेंबर। यहाँ पे आपको भी अपने फेवरेट मेंबर का नेम राइट करना है। हर एक बच्चे को अपने फैमिली में एक ना एक मेंबर बहुत ज़्यादा प्यारा होता है, या तो वो आपके फादर होंगे या मदर या आपके सिस्टर या आपके ब्रदर। सो जिस भी स्टूडेंट के जो भी फैमिली मेंबर उसके बहुत ज़्यादा फेवरेट होंगे, आपको वहाँ पे उन्हीं का नेम राइट करना है। ओके, डैश इज़ माई फेवरेट मेंबर, आपके जो भी फेवरेट मेंबर हो आप यहाँ पर राइट करिएगा। नाउ स्टूडेंट, अभी ये चैप्टर आपका फिनिश होता है और अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड कॉपी वर्क करेंगे। स्टूडेंट, क्लास वर्क में आपको इन दोनों ब्लैंक्स को फिल करना है, ये आपका क्लास वर्क है, और जो भी आपका कॉपी वर्क है उसे आपको होमवर्क में करना है। क्लियर? सो क्लास वर्क में आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं और होमवर्क में आपको कॉपी वर्क करना है। आपको कॉपी वर्क अपना कॉन्वर्सेशन की बुक में नहीं करना है, आपको कॉन्वर्सेशन की कॉपी में ही कॉपी का वर्क करना है। सो आप क्या करोगे, चैप्टर नेम राइट करोगे, माई फैमिली मेरा परिवार, देन 1 से लेके 8 तक के
पॉइंट्स दिए हैं, ये आपकी फैमिली के बारे में है, सो आपको इसे अपनी कॉपी में राइट करना है. नंबर वन, देयर आर डैश मेंबर्स इन माय फैमिली. आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर होंगे आप फिल करके पूरा राइट करिएगा. देन सेकंड, आई हैव डैश सिस्टर. आप जितने सिस्टर्स होंगी आप राइट करो. नंबर थ्री, आई हैव डैश ब्रदर्स. जितने आपके ब्रदर्स होंगे आप राइट करो. अगर आपके ब्रदर और सिस्टर नहीं है तो आप यहाँ पे नो राइट करोगे. ओके, देन नंबर फोर, माई ग्रैंड मदर्स नेम इज. आपको अपने ग्रैंड मदर का नेम राइट करना है. देन माई ग्रैंड फादर्स नेम इज. आपको अपने ग्रैंड फादर का नेम राइट करना है. देन आई लिव इन आर डैश फैमिली. आप कौन सी फैमिली में रहते हो आपको यहाँ फिल करना है. ज्वाइंट या न्यूक्लियर. अगर आप अपने दादा दादी चाचा चाची के साथ रहते हैं इट मीन्स आप एक ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं. और अगर आप सिर्फ अपने मदर फादर और सिस्टर ब्रदर के साथ रहते हैं इट मीन्स आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं. सो आपको यहाँ पे ज्वाइंट या न्यूक्लियर फिल करना है. नेक्स्ट है, आई हैव डैश कजिन्स. कजिन्स मीन्स होता है आपके अपने सिबलिंग्स नहीं, आपके अपने सगे भाई बहन नहीं, आपके अंकल आंटी के जो भी बच्चे होते हैं उन्हें हम कजिन्स बोलते हैं. तो आपके अगर कजिन्स होंगे तो आप वहाँ पे कजिन्स राइट करोगे, जितने भी कजिन्स होंगे. और अगर नहीं है तो आप नो राइट कर दोगे. देन लास्ट, आई लव माई फैमिली वेरी मच. सो स्टूडेंट, आप अपना ये वो कॉन्वर्सेशन की कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा.